फिल्म की शुरुआत में हमें 1944 का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक बड़ा युद्ध चल रहा है। नाजी सेना एक आदमी को अपने साथ ले जा रही थी। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और शख्स का दोस्त उसे देखता ही रह गया। वह सोचता है कि यह सेना मेरे मित्र को कहाँ ले जा रही है। जब शख्स के चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो पता चला कि वह इंडियाना जोन्स है। दरअसल युद्ध के बाद नाजी यहाँ बहुत सारी प्राचीन चीजें चुरा रहे थे। उन्हें उसी जगह पर ऐसी ऐसी चीजें मिली थी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इंडियाना भी एक खास चाकू की तलाश में यहाँ आया था। अब एक नाजी का दोस्त जिसका नाम वालर है, वह उसे देखता है और अपने बैग में रख लेता है। उसी समय एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें इंडियाना बचकर बाहर निकल गया और वह एक कार में बैठ गया। उसी कार में दो नाजी सैनिक भी आकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगा कि उनका ड्राइवर सामने बैठा है, इसलिए इंडियाना कुछ नहीं कहती और बस गाड़ी चलाती रहती है। लेकिन आधे रास्ते में ही नाजी सेना को पता चला कि यह इंडियाना ही है जो उनसे दूर भाग रहा है। अब जब उन्हें पता चला तो इंडियाना चलती कार से कूद गई थी और कुछ सैनिकों को मारते हुए वह ट्रेन में चढ़ जाता है। दरअसल उस ट्रेन में सभी नाजी सैनिक यहीं से प्राचीन वस्तुएं ले जा रहे थे। वह ट्रेन के डिब्बे तक पहुंचता है जहां वह कीमती चाकू था। लेकिन जब वह इस पर नजर डालता है तो उसे पता चलता है कि यह असली नहीं बल्कि नकली है। यह बात नाजी कॉमरेड वालर को पहले से ही पता थी, इसलिए उसने जानबूझकर इसे वहीं छोड़ दिया। वालर के पास यहाँ एक बहुत महंगी मशीन थी जिसे एक वैज्ञानिक ने बनाया था, जिसके कारण वह समय यात्रा भी कर सकते थे। अब ये सारी चीजें भी वालर को इंडियाना के दोस्त ने दी है जिसे उसने पकड़ा था। वहाँ इंडियाना को ढेर सारी प्राचीन बहुमूल्य चीजें मिली। फिर वह वहाँ से आकर दूसरे डिब्बे में बैठ जाता है ताकि कोई नाजी सैनिक उसे पहचान न सके। इंडियाना वहाँ अपने दोस्त को भी देखता है जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। वह उससे छुटकारा पाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगले बॉक्स में इंडियाना की मुलाकात वालर से होती है जिसके पास एक उपकरण था। वह उसे मुक्का मारता है और उपकरण ले लेता है जिससे समय यात्रा भी हो सकती है। फिर वे दोनों इस ट्रेन में भागते हैं क्योंकि वे ट्रेन में पकड़े जा सकते थे, लेकिन नाजी उन्हें किसी भी तरह पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस ट्रेन के सामने बम विस्फोट कर दिया। जब इंडियाना ने यह देखा तो वह अपने दोस्त के साथ नहर में घुस गया, इसलिए वे दोनों बच गए। अब उन्हें पता चला कि ट्रेन पर बम नाजियों ने नहीं गिराया था, दरअसल ये अमेरिकियों का काम था। अब वह समय यात्रा यंत्र भी उनके पास था, यानी इंडियाना को वह डिवाइस नहीं मिल पाई। अब कहानी आती है 1969 में। इंडियाना जोन्स अब बड़ी हो गई थी। हमें उनका कॉलेज दिखाया गया है जहां वे प्रोफेसर थे और इतिहास की बातें बताते थे। वह अपने सभी विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछता है। उसके प्रश्न का सभी विद्यार्थी गलत उत्तर देते हैं। यहाँ हेलेना नाम की एक लड़की थी जो इंडियाना के सभी सवालों का सही जवाब देती है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह यहाँ सभी को एक वैज्ञानिक का नाम बताता है। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सी चीजें बनाई हैं, जैसे हथियार और बहुत सारे उपकरण आदि, जिससे समय यात्रा भी की जा सकती है। वैसे भी इंडियाना अब कॉलेज छोड़ देती है। उनके पीछे हेलेना भी थी और एक CIA एजेंट हेलेना के पीछे एक होटल में बहुत सारे गुंडे हैं। इनमें एक अमेरिकी एजेंट भी था। वहाँ एक वालर भी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो प्राचीन चीजें चुराना चाहता था। यह अमेरिकी एजेंट वालर के लिए काम करता था। दरअसल वालर ने यहाँ सभी से अपनी पहचान छुपाई कि वह नाजी है। वह यहाँ नासा में काम करते थे। दृश्य हेलेना और इंडियाना में स्थानांतरित हो जाता है। हेलेना ने इंडियाना को बताया कि मैं पुरातत्व की पढ़ाई कर रही हूँ, यानी मुझे इतिहास की बहुत सी बातें जानने का बहुत शौक है। मैंने कई चीजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। वह यहाँ उसी डिवाइस के बारे में भी बात करती है जो एक टाइम ट्रैवल डिवाइस थी। हेलेना कहती है कि अब मुझे वो डायल ढूंढना है। यह सुनकर इंडियाना थोड़ा निराश हो गई। वे अब हेलेना को अपने साथ उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में ले जाते हैं जहाँ वे पढ़ते थे। वे अपना उपकरण निकालते हैं और हेलेना को दिखाते हैं, क्योंकि अब तक इंडियाना ने इसे अपने पास सुरक्षित रखा था। ये इसका आधा हिस्सा है। उस वैज्ञानिक ने जब इसे बनाया था तो इसका आधा हिस्सा टूट गया था, क्योंकि उस वैज्ञानिक को पता था कि इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है और कई बार ये गलत हाथों में भी चला जाएगा। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो CIA एजेंट थे। उनके पास वही CIA एजेंट भी था जिसे हमने हेलेना का पीछा करते देखा था। उन्हें वास्तव में पता चला कि इंडियाना के पास वह समय यात्रा उपकरण है। वे उन पर गोली चलाते हैं। फिर हेलेना उस डिवाइस को लेकर भाग गई। इंडियाना को पकड़कर एक वैन में डाल दिया गया और उससे पूछा, बताओ वह उपकरण कहाँ है। तभी उसकी वैन आगे रुकती है। आगे बहुत भीड़ थी, क्योंकि आज नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अपना पहला कदम रखने वाले थे, इसलिए
उनकी वैन रोकी गई है। अब उन सभी ने पैदल ही इंडियाना जाने का फैसला किया, लेकिन इंडियाना उन्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग गई। वे यहाँ से घोड़े पर सवार होते हैं और फिर वे आकर ट्रेन में बैठे और यहाँ से चले गए। भविष्य में वे अपने दोस्त से मिलते हैं क्योंकि वह अपनी सहेली के पास आई थी। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि हेलेना एक चोर है। वह प्राचीन वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुएं चुराती है और उन्हें बाजार में बेचती है और वह काफी समय जेल में भी बिता चुकी है। ये सब सुनकर इंडियाना कहती है कि मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास एक महंगा डायल डिवाइस है। अब इंडियाना के दोस्त उसके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। उन्होंने उसका फर्जी पासपोर्ट भी बनवा लिया। इंडियाना के दोस्त उसे अपनी टोपी देते हैं जो काफी पुराना था। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ किया हर एडवेंचर याद है। अगले दिन जब इंडियाना उसे ढूंढते हुए एक होटल में पहुंची तो हेलेना उस डायल की नीलामी कर रही थी। जब वे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हेलेना का सहायक उन्हें रोक देता है जो उसकी दोस्त भी थी। वे हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी समय इंडियाना वालर को भी देखता है। उसने उसे पहचान लिया था कि वह नाजी है क्योंकि उसे सब कुछ याद था। वह उसकी ओर देखता है और कहता है, हेलेना तुम इस डायल को नीलाम नहीं कर सकती। फिर यहाँ लड़ाई छिड़ जाती है। हर कोई उस डिवाइस के पीछे था। अंततः वह उपकरण हेलेना के हाथ लग जाता है। वह इसे अपने सहायक की ओर फेंकती है। फिर वॉलर उसके हाथ से वो डिवाइस छीन लेता है। हेलेना और इंडियाना दोनों दौड़ते हुए बाहर आते हैं, लेकिन तब तक वॉलर वहाँ से जा चुका था। इंडियाना एक ऑटो रिक्शा लेता है और उनका पीछा करता है, लेकिन वे जा चुके थे। वॉलर को दिखाया गया है। CIA एजेंट किससे कह रहा था कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान चली गई। यानी इंडियाना से पीछे जो CIA एजेंट झूठ बोल रहे थे वे सभी वॉलर के साथ थे। वॉलर उस एजेंट को मार देता है और कहता है कि मैं नाजी था और हमेशा नाजी रहूंगा। यानी अब तक वह अपनी असली पहचान छिपाकर यहां रह रहा था। दूसरी तरफ इंडियाना अपने दोस्त के पास जाता है जिसके पास एक जहाज था जो एक नाविक है। वह उससे कहता है कि देखो मुझे समुद्र में जाना है, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। उनके साथ हेलेना और उनकी असिस्टेंट भी थी। इसके बाद हेलेना बातचीत के दौरान इंडियाना से पूछती है कि क्या आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले तो फिर आप पहले क्या करेंगी। उनका कहना है कि अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को बचाऊंगा जिसकी हादसे में मौत हो गई। इतना कहकर वह उदास होकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन वह समुद्र में अपनी यात्रा शुरू करता है। उन्हें नाजी का जहाज ढूंढना था जो डूब गया था और नष्ट हो गया था। वहाँ बहुत सारे ताबूत पड़े थे जो उन लोगों के थे जो जहाज में डूब कर मर गए थे। तभी एक व्हेल मछली उनके पास आती है। इंडियाना उसे वहाँ से भगा देता है। उस जहाज में उसे एक बक्सा मिला जिसे लेकर वह ऊपर आने लगा। ऊपर इंडियाना के जहाज पर व्हेलर के आदमियों ने कब्जा कर लिया था। जैसे ही वे उस डिब्बे के पास आते हैं वे उस डिब्बे को ले लेते हैं। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। अब वह हेलेना को उस पत्थर पर गिरने के लिए कहता है क्योंकि वह एक पुरातत्वविद थी। यहाँ वह अपनी चाल चलती है और उसे सब कुछ गलत बताकर बम धमाका कराती है। और अब इसका फायदा उठाकर इंडियाना, हेलेना और उसकी सहायक दूसरे जहाज पर चले जाते हैं। इंडियाना उस पत्थर को भी अपने साथ ले गया था। जब वह देखता है कि पत्थर बहुत भारी है तो वह उसमें आग लगा देता है। उसने सोचा कि शायद इसके अंदर कुछ होगा। जब वह उसे आग लगाता है तो उसमें से एक सोने की ढाल निकलती है जिस पर वास्तव में यह लिखा होता है कि डायल का दूसरा हिस्सा कहाँ है। उसे उस जगह के बारे में भी पता चलता है जहाँ उस वैज्ञानिक को दफनाया गया था जिसने टाइम मशीन बनाई, और दूसरा हिस्सा वहाँ मिलना था। अब वे तीनों उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ हेलेना के सहायक को पकड़ लिया गया था। इंडियाना को उसकी चिंता थी। वह उनका पीछा करने की कोशिश भी करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। रास्ते में हेलेना इंडियाना से कहती है कि मेरी असिस्टेंट बहुत चालाक है, तुम उसकी चिंता मत करो। वह जानता है कि मुसीबत से कैसे निकलना है। अब जब ये दोनों गुफा में पहुँचे तो वहाँ बॉयलर के आदमी पहले से ही मौजूद थे। उस गुफा में अनाज की गैस छोड़ दी गई थी। इंडियाना थोड़ा आगे चला जाता है। उन्हें जो सोने की ढाल मिली थी उस पर आगे बढ़ने का रास्ता लिखा हुआ था। अब आगे बढ़ते हुए वे उन्हें गुफा में बहती हुई नदी में पाते हैं जिसे वे पुल से पार करते हैं। उनके पीछे बॉयलर के आदमी भी थे। आगे जाकर इंडियाना और हेलेना को उस वैज्ञानिक का कब्रिस्तान दिखता है। जब उन्होंने उस पत्थर को हटाया तो वहाँ उसका पूरा कंकाल था। वहाँ उन्हें उसी उपकरण का दूसरा भाग भी मिला जिससे इंडियाना बहुत खुश हुआ। हेलेना वहाँ बनी तस्वीरों को देखती है जो आज के समय की थी। वहाँ एक हवाई जहाज और एक घड़ी की तस्वीरें बनी हुई थी जिन्हें देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह सोच रही थी कि इतनी देर में किसी को इन बातों के बारे में कैसे पता चलेगा। वह
उसी वैज्ञानिक के कंकाल पर बनी घड़ी को भी देखती है जो आने वाले समय की थी। वह इसे देखती है और कहती है कि यह बात काफी हैरान करने वाली है। उन्होंने जो घड़ी बांध रखी है ये तकनीक तो अभी आई भी नहीं है। दरअसल हेलेना को यही बात समझ आती है कि वैज्ञानिक समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वे समय यात्रा जानते हैं। तब इंडियाना भी ये सुनती है और कहती है कि ये सारी बातें सच है। तभी वहाँ बॉयलर आता है जो कहता है कि वैज्ञानिक कभी गलत नहीं था, समय यात्रा संभव है। अब वह उनसे उस उपकरण का दूसरा भाग ले लेता है और साथ ही जो वैज्ञानिक अपने हाथ पर घड़ी बांधता है वह उसे डिवाइस पर रखता है तो इसने काम करना शुरू कर दिया। हेलेना के सहायक को भी यहाँ लाया जाता है जो बॉयलर पर हमला करता है। तभी वहाँ गोलियाँ चलने लगी, इसमें इंडियाना भी घायल हो गई। वह हेलेना से कहता है देखो तुम जाओ, तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। अब हेलेना और सहायक यहाँ से चले गए। बॉयलर और उसके लोग इंडियाना को अपने साथ ले गए। वे सभी एयरपोर्ट जा रहे थे। रास्ते में बॉयलर इंडियाना को बताता है कि मुझे वह जगह मिल गई है जहाँ मैं समय यात्रा कर सकता हूँ। अब मेरे पास भी एक डिवाइस है, मैं किसी चीज से नहीं डरता। वहीं हेलेना अपने असिस्टेंट के साथ उनका पीछा कर रही थी। वह छुप छुप कर उसे देख रही थी। वह अपने सहायक को एक विमान दिखाती है। वह कहती है इसे देखो, क्या आप इसे चलाएंगी? वह कहता है हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अब हेलेना बाइक की मदद से बॉयलर के प्लेन पर चढ़ जाती है। विमान के साथ उनका सहायक भी वापस आ रहा था। बॉयलर को वह स्थान मिल गया था जहाँ वह समय यात्रा कर सकता था। हम देखते हैं कि आसमान में तेज रोशनी है और जहाज रोशनी में चला जाता है। हेलेना के सहायक का विमान भी पीछे था, अर्थात ये सभी समय में यात्रा करके समय में ही वापस आ गए थे। उनका विमान नियंत्रण से बाहर हो जाता है क्योंकि जिस समय वे गए थे उस समय युद्ध चल रहा था और हर तरफ तबाही मच गई। अब हेलेना ने उस विमान को रोकने की कोशिश की लेकिन वह नियंत्रण से बाहर हो चुका था। तभी हेलेना भी प्लेन से लटक जाती है। इंडियाना आती है और उसे बचाती है लेकिन तभी दोनों झड़ चुके थे तो उसका पैराशूट खुल जाता है और दोनों बच जाते हैं। वहाँ हम उन वैज्ञानिकों को भी देखते हैं जिन्होंने यह टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी। वे अभी भी बैठे हुए थे और इसे पूरा कर रहे थे, यानी इस बार पीछे रह गया। उस समय टाइम ट्रेवल मशीन नहीं बनी थी। उन्हें अब वह विमान भी गिरता हुआ दिख रहा है जिसमें बॉयलर था। वह विमान पूरी तरह गिरकर नष्ट हो गया था। यहाँ वैज्ञानिक आते हैं और बॉयलर के कांटे से उस घड़ी को हटा देते हैं जिसे उन्होंने बांध रखा था, यानी जो हमने वर्तमान में देखा उनके दर्जी के हाथ पर। अब इंडियाना यहाँ हेलेना को बताती है ये सब वैज्ञानिक की योजना थी। उन्होंने अपना डायल इस तरह से सेट किया था कि अगर भविष्य में कोई उस डायल का इस्तेमाल करे तो वह उसी जगह पहुँचे जहाँ वह रहता था। और देखो यही हुआ, मैं अब हमेशा यही रहना चाहता हूँ, मैं बस अपना शेष जीवन यही बिताना चाहता हूँ। तभी वैज्ञानिक उसके पास आते हैं। वे इंडियाना को घड़ी और डायल देते हैं। वे उससे कहते हैं कि अपने समय में इसे अपने साथ ले जाओ। इंडियाना कहता है नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तभी हेलेना कहती है आप समय यात्रा करके यहाँ आए हैं, अगर आप यहाँ रुके तो हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी वह उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे इंडियाना बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो वह अपनी दुनिया में था, यानी उनके समय में उपस्थित। आज के समय में उनके पास वही घड़ी और टाइम ट्रैवल मशीन पड़ी हुई थी जिससे वे 2000 साल पहले गए थे। तभी हेलेना आती है और कहती है मुझे पता है तुम अकेले हो। तभी वह अपनी पत्नी को वहाँ बुलाती है जो पहले उसे छोड़ चुकी थी। वे सभी बहुत खुश थे और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यही खत्म हो जाती है।